मोदी सरकार को अभी 6 साल हो गए, 2 बार ये सरकार चुन के आई है, लेकिन जिस तरह का कारोबार ये कर रही है उससे लगता है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है। इंदिरा गांधी ने भी 26 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लाद दिया था, इमरजेंसी लाद दी थी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लादने के बाद इस देश के संविधान में कुछ बदल किए थे। वो बदल बिल्कुल ही लोकतंत्र के खिलाफ थे, तानाशाहीवादी थे, जनता के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी की मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में और उस मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने कानून में बदल करके ये इमरजेंसी लाई थी। मोदी ने कुछ नहीं ऐसा किया है, मोदी ने संविधान में बदलाव नहीं किया है या कानून में बदलाव किया नहीं है, फिर भी उन्होंने एग्जिस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ही अपनी तानाशाही जमा ली है। मुझे लगता है इंदिरा गांधी के तानाशाही से भी खतरनाक ये मोदी की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। एक ही उदाहरण मैं दूंगा, जिस तरह से पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और UAPA जैसा खतरनाक कानून लगाकर इनको 6-6 महीने 8-8 महीने बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो CAA के खिलाफ आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनको अंदर रखा गया। महाराष्ट्र में एल्गार परिषद केस में 14 लोग पिछले 2 साल से जेल में हैं, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। हर जगह ये हो रहा है। जो जो मोदी का विरोध करेगा, जो जो मोदी सरकार का विरोध करेगा, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। दिल्ली में भी ये हुआ है और जेल में रखती है, सेडिशन लगाकर, UAPA लगाकर या और कुछ आरोप लगाकर। और इसमें ये हो रहा है कि पहले तो इमरजेंसी में भी लोग कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे और कुछ राहत मिलती थी, लेकिन आजकल जो सुप्रीम कोर्ट है मेरे ख्याल से पूरी तरह से सरकार को अधीन हो गया है। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी यही हुआ था, जो जज है उनके ऊपर दबाव था, अपने को फेवर करने वाले जज इंदिरा गांधी ने लाए थे, इसके कारण कुछ जजों ने इस्तीफा भी दिया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जिन्होंने वर्डिक्ट दिए थे, इन जजों को इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया था। तो ये सारी बातें मोदी भी कर रहे हैं। उनको जो चीफ जस्टिस चाहिए वो उनके पक्ष में फैसले देने वाला चीफ जस्टिस चाहिए। हर समय हर पल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव रहता है और हम चाहते हैं कि ऐसी अवस्था में सुप्रीम कोर्ट ठीक तरह से नागरिक अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन आजकल आप देखो सुप्रीम कोर्ट नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने अर्णव गोस्वामी के केस में देखा, मैं ये मानता हूँ कि अर्णव गोस्वामी बड़ा ही खराब पत्रकार है, लेकिन वो बेल का हकदार था तो उसके पक्ष में जो फैसला आया वो सही था, लेकिन यही फैसला ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट को सारे कार्यकर्ताओं के बारे में देना चाहिए। लेकिन देखो कश्मीर के कार्यकर्ता इतने महीनों से जेल में, उनको उनकी पर्सनल लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, या फिर बाकी सारे कार्यकर्ता, भीमा कोरेगांव के कार्यकर्ता, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं किया, लेकिन अर्णव गोस्वामी बड़े बड़े वकील लेकर हरीश साल्वे जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब वेकेशन चालू था, फिर भी अर्णव गोस्वामी की केस 24 घंटों में बोर्ड पर आई और उसकी सुनवाई हो गई। ये तो पूरी तरह से पार्शियलिटी है। मुझे लगता है अपना जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे जज नहीं है, अच्छे जज है अभी भी कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बर्ताव है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट लगता नहीं है। और हमेशा कोई सुप्रीम कोर्ट का अगर आलोचना करता है, प्रशांत भूषण ने की, कुणाल कामरा ने की, तो कंटेंट किया जाता है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपने बारे में कंटेंट किया है अपने बर्ताव से। देखो आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट आपको आपके बर्ताव से अर्न करना होगा। रिस्पेक्ट शुड बी अर्न। ऐसा नहीं आपको लोगों को, हम सुप्रीम कोर्ट है, आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा आपको। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों का अगर अनुभव आप देखें तो आज जो सुप्रीम कोर्ट है अभी तक का, इमरजेंसी के बाद अभी तक का सबसे खराब सुप्रीम कोर्ट है।
मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास क्यों करूं? हमें पहले पढ़ाया जाता था कि आपको सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो मैं क्यों उसका रिस्पेक्ट करूं? हर नागरिक ये सवाल पूछेगा। इसलिए मुझे लगता है कि 26 नवंबर को जो संविधान दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अभी हमारा जो संविधान है तो वो खतरे में है। विदाउट डिक्लेयरिंग द इमरजेंसी मोदी ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो नागरिकों को अगर जरूरत है तो रास्ते पर आके अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अभी जो इमरजेंसी है, आपातकाल है, मोदी डिक्लेयर नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इमरजेंसी बिना इमरजेंसी लगा के वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मुझे लगता है मोदी पुतिन की राह पर चल रहे हैं, पुतिन ने यही किया रशिया में। मुझे ये डर भी लगता है कि कहीं अगला जो इलेक्शन है होगा या नहीं, या फिर मोदी चुनाव करेगा और इस तरह से पूरी सिस्टम काम करेगी कि अपोजिशन को कोई स्पेस ही नहीं मिलेगी। आज भी अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियां बिहार चुनाव के बाद पूरी तरह से शिकायत कर ही रही है। तो मुझे लगता है ये देश मोदी के नेतृत्व में, मोदी के दबाव में हुकुमशाही की तरफ झुक रहा है। तो अगर हमें अपना संविधान सुरक्षित रखना है तो हमें कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा और इसका विरोध करना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम नागरिकों को जेल में भी जाना पड़ेगा, हमें वो तैयारी दिखानी चाहिए।